कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई और आ गया नया खतरा। पहली मौत के बाद 15 लोग किए गए क्वांटर टीम। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कोरोना महामारी के प्रकोप से पूरी दुनिया जूझ रही है। इसकी वैक्सीन और दवा को लेकर तमाम तरह के शोध हो रहे हैं। इस महामारी के खतरे से जूझ रही दुनिया के सामने अब एक नई जानलेवा बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। यह बीमारी है ब्यूटेनिक प्लेग। हफ्ते भर पहले उत्तरी चीन के एक अस्पताल में इस बीमारी से जुड़ा एक मामला सामने आने के बाद वहां अलर्ट जारी किया गया था। अब चीन के पड़ोसी देश मंगोलिया में इस बीमारी की पहली मौत हो गई। वही पूर्व में ही मृतक के संपर्क में आए 15 लोगों को क्वांटर टीम यानी पृथक यानी अलग कर दिया गया है और सभी पर स्वास्थ्य कर्मियों की नजर है। मंगोलिया के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक रियोनिक प्लेग से एक 15 वर्षीय लड़के की मौत हो गई। वह गोबी अल्ताई से सुदूर दक्षिण पश्चिम प्रांत में रहता था। अधिकारियों के मुताबिक लड़के की मौत उन कुछ मामलों में से एक है जो हाल ही में मंगोलिया और पड़ोसी देश चीन से उभरे हैं। हफ्ते भर पहले चीन में मामला सामने आने के बाद चेतावनी जारी की गई थी। माना जा रहा है कि मंगोलिया में ब्यूनिक प्लेग फैलाने के लिए मार्मोटर्स मुख्य कारणों में से एक है। मार्मोट गिलहरी की जाति का एक जीव होता है। मंगोलिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि लड़के के मार्मोट का शिकार किया गया, इसके बाद वह बैक्टीरिया जनित इस बीमारी की चपेट में आ गया। स्वास्थ्य मंत्रालय में जनसंपर्क विभाग के प्रमुख नारंग दल दूरस के मुताबिक वहां मृतक के संपर्क में आने वाले 15 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है जिनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही प्रांत के 5 जिलों में 6 दिन के लिए पाबंदियां लगाई गई हैं। मालूम हो कि इस महीने की शुरुआत में खोब्द प्रांत के ब्यूनिक लेक के 2 अन्य मामले दर्ज किए गए थे। 140 से ज्यादा लोगों की जाँच की गयी थी। गनीमत रहा कि नए मामले नहीं सामने आए थे। बताया जा मालूम हो कि इस महीने की शुरुआत में खोब्द प्रांत के ब्यूनिक प्लेग के 2 अन्य मामले दर्ज किए गए थे। 140 से ज्यादा लोगों की जांच की गई थी। गनीमत रहा कि नए मामले सामने नहीं आए थे। बताया जाता है कि एक चरवाहा चीन के उत्तरी आंतरिक मंगोलिया क्षेत्र में इस बीमारी के संपर्क में आ गया था। इसके बाद ही अधिकारियों ने स्थानीय स्तर पर जानवरों के शिकार करने और मांस खाने पर प्रतिबंध के लिए लोगों को प्रेरित किया। मालूम हो कि ब्यूनिक प्लेग को ब्लैक डेथ यानी काली मौत भी कहते हैं। यह बहुत पुरानी महामारी है जिसकी वजह से करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं। प्लेग अब तक 3 बार व्यापक स्तर पर लोगों को अपना शिकार बना चुका है। इसकी चपेट में आने से पहले बार लगभग 5 करोड़ लोग, दूसरी बार यूरोप की 1/3 आबादी और तीसरी बार लगभग 80,000 लोगों की मौत हो चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह बीमारी जंगली चूहों में पाई जाने वाली बैक्टीरिया से होती है। बीमारी जंगली चूहों को होती है और फिर इसके मरने के बाद प्लेग के बैक्टीरिया पिस्सू के जरिए मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इन पिस्सू के काटने पर संक्रमण वाले बैक्टीरिया व्यक्ति के ब्लड में मिल जाते हैं और व्यक्ति प्लेग से संक्रमित हो जाता है। ब्यूनिक प्लेग के लक्षण हैं। पहला, व्यक्ति को तेज बुखार और शरीर में असहनीय दर्द होता है। दूसरा, नाड़ी तेज चलने लगती है। तीसरा, नाक और उंगलियां भी काली पड़ने लगती हैं और सड़ने लगती हैं। चौथा, 2-3 दिन में शरीर में गिल्टियां निकलने लगती हैं जो 14 दिन में पक जाती हैं। गिल्टियां निकलने की वजह से इन बीमारियों को गिल्टी वाला प्लेग भी कहते हैं। ब्यूनिक प्लेग फैलने वाले बैक्टीरिया का नाम यर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरियम है। यह शरीर के लिम्फ नोड्स, खून और फेफड़ों पर हमला करता है। वैसे तो यह पुरानी महामारी है लेकिन आज भी इसके मामले सामने आते रहते हैं, जैसा कि अभी चीन और मंगोलिया में हुआ है। भारत में भी साल में 1994 में ब्यूनिक प्लेग के करीब 700 मामले सामने आए थे। इनमें से 52 लोगों की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि 6वीं और 8वीं शताब्दी में इस बीमारी को प्लेग ऑफ जस्टिनियन नाम से जाना जाता है। तब करीब 2.5 से 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद साल 1347 में जब बताया जाता है कि 6वीं और 8वीं शताब्दी में इस बीमारी को प्लेग ऑफ जस्टिनियन नाम से जाना जाता था, तब करीबन 2.5 से 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद साल 1347 में जब ब्यूनिक प्लेग से यूरोप की 1/3 आबादी की मौत हो गई थी तो इसे ब्लैक डेथ आबादी नाम दिया गया था। प्लेग की वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक प्रसारक हैं, लेकिन अब तक किसी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई है।